हे गाइस वेलकम दोस्तों, पोको F3 GT जो कि ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है 23 जुलाई को लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों OnePlus Nord 2 लॉन्च होगा 22 जुलाई को, उसके बाद लॉन्च होगा पोको F3 GT 23 जुलाई को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि OnePlus Nord 2 के बारे में क्यों बता रहा है, तो एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं वो दमदार स्पेक्स के साथ आते हैं, दोनों के बीच काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। अगर दोस्तों पोको F3 GT सही प्राइस पर लॉन्च होता है ना, तो ये स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 को बीट कर सकता है। दोस्तों OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन अराउंड 32,000 की प्राइस पर लॉन्च होगा 20 वेरिएंट के साथ, और पोको F3 GT अकॉर्डिंग टू लीक्स बताया जा रहा है अंडर 30,000 में लॉन्च होगा। एक्सपेक्ट 27,000 या 28,000 की प्राइस पर आने वाला है। तो सही प्राइस पर आता है पोको F3 GT तो डेफिनेटली OnePlus Nord 2 को बीट कर देगा। तो आज मैं आपको पोको F3 GT के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, साथ में दो प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। एक्चुअल में दोस्तों खास प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी आपको फेस करनी पड़ेगी, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बैक साइड में ग्लास दिया गया है विद कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 मैट फिनिश के साथ ही आता है। दोस्तों इसका फ्रेम भी मेटल का होने वाला है, तो काफ़ी यूनिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, स्पेशल गेमिंग लवर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका डिजाइन होने वाला है। दोस्तों साइड में आपको एक्स्ट्रा बटन्स एंड ट्रिगर्स मिल जाते हैं गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ दोस्तों आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, LED प्लस दी गई है, और सेंटर में आपको पोको की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दोस्तों फ्रंट साइड की बात करूं तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है सेंटर पंचोल के साथ। ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है, साथ में इन फ्रंट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है, और यहाँ पर आपको 480 निट्स टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो डेफिनेटली डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, आपका जो टच एक्सपीरियंस होगा वो भी काफ़ी कमाल का होने वाला है। बट यहां पर दोस्तों आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोस्तों आप लोग 30,000 रुपए खर्च कर रहे हो, फिर भी आपको इन डिस्प्ले की जगह साइड माउंटेड स्कैनर दिया जा रहा है, गेमिंग स्मार्टफोन है फिर भी, तो मुझे ये छोटी सी प्रॉब्लम लगी। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 1200 का डुअल 5G चिपसेट मिलता है, डुअल सिम 5G की यूज कर पाओगे। दोस्तों ये 6nm पर बेस्ड है, तो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आपका काफी दमदार होने वाला है, स्पेशल गेमिंग एडिशन है ना, तो परफॉर्मेंस तो आपको डेफिनेटली बेहतरीन ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 मिल जाएगा जो कि MIUI 12.5 पर रन करेगा, बट यहां पर आपको पोको लॉन्चर भी मिलेगा, मतलब दोस्तों आपको इसमें कोई भी एड्स और ब्लटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे आप लोग डिलीट कर पाओगे। दोस्तों इसके कैमरास की बात करूं तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है जो कि यूजलेस होता है आज के टाइम में। दोस्तों रियर कैमरा से आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, सेल्फी कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का जो कि सेंटर में इनक्लोज्ड है। दोस्तों बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको 5065mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इन द बॉक्स ये चार्जर आपको मिल सकता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है, फेस अनलॉक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, आयर ब्लास्टर एंड लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, बट यहाँ पर दोस्तों आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता है जो कि दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम है। एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि गेमिंग स्मार्टफोन है फिर भी आपको 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है, तो वैसे तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट फिर भी जो गेमिंग लवर्स है ना उनको 3.5mm का जैक पसंद आता है। एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि गेमिंग स्मार्टफोन है तो 3.5mm का जैक होता तो ज़्यादा बेटर होता गेमिंग लवर्स के लिए। और इस फोन में आपको 6GB 8GB 12GB LPDDR4X की रैम एंड 128GB 256GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको डुअल सिम कार्ड का स्लॉट मिलने वाला है, दो सिम यूज कर पाओगे, SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। दोस्तों इस फोन का बेस वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB जो कि एक्सपेक्ट 27,000 या फिर 28,000 की प्राइस पर आ सकता है, ये एक्सपेक्ट प्राइस है, एक्चुअल प्राइस क्या होगी इसके लिए वेट करना होगा प्राइस रिवील होने तक का। दोस्तों ये स्मार्टफोन 26,000 की प्राइस तक आता है तो डेफिनेटली OnePlus Nord 2 को बीट कर देगा, आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट में बताइएगा।
आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।